डॉक्टर साहब, आज की अगर बात करें तो ये जब पाश्चात्य संस्कृति में अगर बात करें तो फास्ट फूड खाने की वजह से मोटापे की जो समस्या आ गई है, तो मोटापे में ये क्या फायदा कर सकता है? सबसे बड़ी समस्या है आज के जीवन में स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि ओवर ईटिंग चलता है, बैठे बैठे खाना चलता है, और फिर बाद में हॉर्मोन्स के प्रॉब्लम होते हैं, थायराइड होता है, डायबिटीज हो जाता है, बहुत सारी प्रकार की बीमारियां होती है, और उसमें से फिर मोटापा ये जब आता है तो मोटापा के वजह से ये बाकी जो बीमारी है वो भी और ज्यादा बढ़ती रहती है। तो मोटापे के लिए भी एक्यूपंक्चर में इलाज करते हैं, लेकिन वो मोटापा जो है वो कॉस्मेटिक है। मतलब खानदानी अगर मोटापा है, मान लो माँ और पिताजी दोनों मोटे हैं और बच्चा मोटा है, तो इसमें से आप ये ख्याल में रखोगे ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इसको हम कॉस्मेटिक ओबेसिटी बोलेंगे। तो इसमें हम लोग ट्रीटमेंट देके वेट कम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पेशेंट को एक्यूप्रेशर के बिंदु घर के घर हमेशा के लिए दबाए रखने पड़ेंगे, और उसका जो वेट लॉस होगा वो एक लेवल तक, एक एक उसकी एक लिमिट रहेगी कम होने की। लेकिन यही केस अगर थायराइड का है जिसमें वाटर रिटेंशन से वेट बढ़ता है, तो मेरे पास एक ब्यूटिशियन महिला थी, उसका 2 महीने के अंदर 22 किलो वेट कम किया हमने, क्योंकि वाटर रिटेंशन से वेट था, वो एक्चुअल फॉल्स वेट गेन है। तो इसमें हम जो थायराइड को ट्रीटमेंट देंगे, थायराइड कंट्रोल में आएगा, तो अपने आप ये जो शरीर के अंदर जो वाटर रिटेंशन है वो कम होगा, तो वेट फटाफट कम होते रहेगा। अभी दूसरा, हार्मोन से वेट बढ़ता है, कई सारी महिलाओं को पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, तो इसमें इनफर्टिलिटी होता है, ओबेसिटी होता है, दोनों इनफर्टिलिटी के लिए भी ट्रीटमेंट देते हैं हम, ओबेसिटी का भी देते हैं। एक्यूपंक्चर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम इसमें जो ट्रीटमेंट देते हैं 20 मिनट का सेशन होता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि एक बीमारी के लिए 20 मिनट, दूसरे बीमारी के लिए 20 मिनट, तीसरे के लिए 20 मिनट, एक ही 20 मिनट के सेशन के अंदर शरीर की पूरी मालूमात लेके उसी के अंदर पूरे शरीर का हम ट्रीटमेंट बैठा सकते हैं। मतलब ये है कि डबल ट्रिपल अगर ट्रीटमेंट नहीं करना पड़े तो मरीज का दुगना तिगना समय और दुगना तिगना पैसा भी सेव होगा, एक ही ट्रीटमेंट में कई सारी आप बीमारियों से इजात पाते। जैसे हम मोटापे की बात कर रहे थे, मैंने थायराइड की वजह से बताया, फिर बाद में कॉस्मेटिक की वजह से बताया, ऐसी कई सारी स्ट्रेस के वजह से है। स्ट्रेस मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन होते हैं या एंग्जाइटी होता है, तो इसके लिए हम जो बीमारी का मूल है उसके ऊपर पहले ट्रीटमेंट करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। मोटापा तो आसान है, लेकिन जब तक बीमारी के मूल का नहीं करोगे तब तक वो बार बार होता रहेगा, और डॉक्टर पेशेंट का संपर्क हमेशा फिर चलता रहेगा।